Dr. Zara Lahari, aesthetic physician and laser specialist at Bodevolution, New Garden Town branch. Bodevolution is a British chain of aesthetic clinic, and at Bodevolution, we are offering the latest non-invasive, non-surgical, pain-free aesthetic treatments. At Bodevolution, we are offering the latest in laser hair removal, which is the fiber diode laser. Here, we are also offering the latest in fat loss treatments, which includes cryolipolysis and body sculpting. At Bodevolution, we are also providing the 4D HIFU for skin tightening and skin rejuvenation. We are also offering the best hair regrowth laser for hair loss treatments. At Bodevolution, we are also doing many procedures for anti-aging and the treatment of wrinkles. Here we are also offering carbon facials and hydra facials and monopolar radio frequency procedures for skin tightening and skin rejuvenation. We have opened up a new branch at Garden Town, and here we are offering many free treatments, to kindly come and avail them. We also have the latest Pico Shore laser for pigmentation, tattoo removal and for various other skin problems. हम इस वक्त गार्डन टाउन ब्रांच बॉडीवोल्यूशन में मौजूद हैं. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द ओपनिंग और यहाँ पे सब लेटेस्ट मशीनरी है और व्यूवर्स के लिए ये है कि प्लीज़ आएँ. वी हैव ऑल लेटेस्ट मशीनरी हेयर एंड डॉक्टर्स आर वेल क्वालिफाइड एंड एवरीथिंग. वी हैव वेरी इकोनॉमिकल पैकेजेस हेयर. हाई, दिस इज डॉक्टर इम्तियाज रसूल. आई एम द सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी बॉडीवोल्यूशन. Bodevolution is basically, we created many years back in UK. It's our British brand. I am based in UK. हमारी जो franchises हैं वो different countries में हम इसको लेके जा रहे हैं. पाकिस्तान में भी, जैसे इस वक्त मैं आया हुआ हूँ पाकिस्तान में, आज मैं अपनी गार्डन टाउन ब्रांच में बैठा हूँ. ये हमारी फोर्थ क्लिनिक है लाहौर सिटी के अंदर. एंड हमारी कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ भी हमारी ब्रांचेज हैं दुनिया में, उनको हम अच्छे से अच्छा और जदीद इक्विपमेंट के साथ उसको हम इक्विप करें. बॉडीवोल्यूशन की बहुत सारी जो हमारी लेज़र मशीनें हैं या बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हमारी अपनी असेंबल्ड मशीन्स हैं, हमारी अपनी ब्रांडेड मशीन्स हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर एक बहुत अच्छा एक ग्रिप भी है और उसका एक रिज़ल्ट भी हम क्लेम करते हैं कि वी प्रोवाइड द बेस्ट रिज़ल्ट्स विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजीज़. गार्डन टाउन सेंटर नो डाउट एक बहुत अच्छी एक अच्छी जगह थी. इसमें जो हमारी पार्टनर हैं, जो इस क्लिनिक को हेड कर रही हैं, डॉक्टर ज़ारा लगारी, माशाल्लाह उनका एक अपना एक बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. फिर उन्होंने हमारे साथ एक बहुत महीनों से हमारे साथ एक अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने हमारे साथ गुजारी. उनको हम लोगों ने हर तरह से, हर मशीन के हर पहलू में से गुजारा. एंड नाउ इंशाल्लाह अब इस ब्रांच का इफ्तिताह होने जा रहा है. इसके बाद जो हमारी टीम है यहाँ, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छी एफ़र्ट की, उन लोगों की ट्रेनिंग्स के ऊपर बहुत अच्छी एफ़र्ट की. जितनी हमारी मशीनें हैं, जितनी उनमें पाकिस्तान के बाकी सेंटर की निस्बत, इसमें क्योंकि ये अभी नया सेंटर है, तो इसमें हमारी सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ थी, वी हैव प्रोवाइडेड हेयर स्पेशली, जिसमें हेयर रिमूवल इंडस्ट्री में जो आजकल एक बहुत अच्छी एक बज़ चल रही है, एक बहुत अच्छी नई मशीन या नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, फाइबर डायोड टेक्नोलॉजी, उसको हम लेके आए हैं. इसके बाद वैक्यूम डायोड, उस मशीन को हम लेके आए हैं. इधर फैट से रिलेटेड जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, उसको हमने इकट्ठा किया, उसको इस सेंटर में हम लोग ऑफर करने जा रहे हैं. और जिसका कि अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा, अभी हम अपने अपने ट्रीटमेंट रूम दिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं वो क्यों बेहतर हैं, क्यों बाकी लोगों की नस्बत हम कहते हैं कि जी हम लोग उसको एक डिफरेंट पैटर्न पर लेके जा रहे हैं. जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम अपने लेज़र हेयर रिमूवर रूम में हैं और डॉक्टर ज़ारा इस वक्त हमारे क्लाइंट का ट्रीटमेंट करने वाली हैं. एंड वी प्राउडली अनाउंस कि बॉडीवोल्यूशन की सबसे पहली हमारी फाइबर डायोड लेज़र मशीन हमने इस गार्डन टाउन क्लिनिक में इंस्टॉल की है. तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है फाइबर डायोड लेज़र, उसी के ज़रिए अब हम अपने क्लाइंट का ट्रीटमेंट करेंगे. और इस ट्रीटमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत अच्छा है, इनको बिल्कुल भी इसका फील नहीं होगा, ना इसकी कोई पेन है, ना इसका कोई हीट फील होगी इन्हें. और रिज़ल्ट वाइज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड. और आप देखिएगा कि आने वाले सालों में फाइबर डायोड लेज़र
हर जगह पे आ जाएगी। इस वक्त हम इनका हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट है जिसको हम करने वाले हैं, तो आज इनका हम अपर लिप चिन एरिया इसकी हेयर रिमूवल करेंगे। अभी इसको हम रेडी मोड पे लेके जाएंगे, इसकी सेटिंग सारी हमने की इनकी स्किन के उसके मुताबिक। यस, कुछ फील हो रहा है आपको? कोई पेन या कोई ऐसी चीज़ नहीं। इस ट्रीटमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इट्स अ वेरी फास्ट ट्रीटमेंट, कि फुल बॉडी हमने करनी हो तो इस मशीन के साथ हम तकरीबन 15 से 20 मिनट में पूरी बॉडी कर सकते हैं। सेकेंडली, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि क्लाइंट को बिल्कुल भी इसका पेन फील नहीं होता और ना ही इसकी कोई ज़्यादा इतनी लाइट जो है जो सराउंडिंग्स में जाती है। इसके अलावा बॉड एवोल्यूशन पे हमारे पास हेयर रिमूवल के लिए डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप ये मशीन देख रहे होंगे, ये SHR हेयर रिमूवल है इसमें, और जो ट्रेडिशनल IPL हेयर रिमूवल एक सिस्टम पहले चलता था उसी को हमने मॉडिफाई करके उसको यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिनका स्किन टेक्सचर या कुछ उनकी स्किन टोन ऐसी होती है कि जिसके लिए हम फिर इस मशीन का सहारा लेते हैं, मगर ओवरऑल हमारे पास इन बॉड एवोल्यूशन में तकरीबन IPL, लेज़र, SHR हेयर रिमूवल और ये सारी ही टेक्नोलॉजी हमारे क्लिनिक्स में दी जाती हैं, ताकि लोग अपनी चॉइस के मुताबिक भी हमें डिस्कस कर सकते हैं। कुछ लोग आते हैं कि वो बहुत डरे होते हैं, जी हमें लेज़र नहीं करवाना, हमें IPL करवाना है, हमें SHR करवाना है, तो हमारे लिए बड़ा ईजी होता है कि हम उनको बताते हैं कि किस मशीन का इफ़ेक्ट क्या है, उसको हम बाकायदा डेमो करके देते हैं, और ताकि लोगों के एक खौफ लोगों में एक और भी बहुत होता है कि जी शायद पता नहीं इन मशीनों से कैंसर प्रमोट होता है या इनके कोई और साइड इफ़ेक्ट हैं, तो हम लोगों को बताते हैं कि एटलीस्ट ये जो हम जो केमिकल्स बेस्ड वैक्सिंग यूज़ करती हैं उनसे कई दर्जे बेहतर है कि हम लेज़र हेयर रिमूवल करवाएं। इससे एक तो ये होगा कि इनकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, वाइट हो जाती है, एंड सेकेंडली ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, और इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है कि बॉड एवोल्यूशन की किसी मशीन से कोई आज तक कोई ऐसा केस के जिसके बर्निंग का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इनकी कूलिंग इतने इस हद तक हम ले गए हैं इन मशीनों में कि इससे किसी भी क्लाइंट को ना पेन फील होगा और ना ही उनकी स्किन को बर्न हो सकता है। जी आए, अब हम आपको अपने नेक्स्ट ट्रीटमेंट रूम में लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा बॉडी शेपिंग रूम है। इस रूम के अंदर हम जितना भी फैट रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे हम लोग इधर परफॉर्म करते हैं। इस वक्त जो हमारा ट्रीटमेंट डॉक्टर ज़ारा करने जा रही हैं वो है वन ऑफ द लाइक वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 4D HIFU, जिसको अल थेरेपी के नाम से भी लोग जानते हैं। इस ट्रीटमेंट में या हमारी इस टेक्नोलॉजी की जो सबसे अच्छी बात ये है कि दिस इज़ 11 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग दैन ट्रेडिशनल HIFU जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस ट्रीटमेंट की मदद से हम कम वक्त में ज़्यादा एक इफ़ेक्ट जो होता है वो ले सकते हैं। ऑलरेडी इन क्लाइंट के साथ हम इनके ट्रीटमेंट कर चुके हैं इनका, और आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो साइड जो होगी हुई है ये काफ़ी अब बेहतर आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा। जी आप कैरी ऑन करें बाकी। कैसा फील हो रहा है इसमें? हल्का हल्का इस ट्रीटमेंट के दरमियान आपको थोड़ा थोड़ा सब चुभन सी फील हो रही होती है। इसमें ये होता है कि इस मशीन में कि जब हम इसको ट्रिगर करते हैं इसके बाद वो ऑटोमेटिकली ये मशीन अपने उस एरिया को स्कैन करके उन लाइंस को कवर कर रही होती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी मशीन पे ये सारी 11 लाइंस मुकम्मल हो गई। और इस ट्रीटमेंट में एक और चीज़ आप देखेंगे कि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, इसका डाउन टाइम कोई नहीं है, स्ट्रेट वे इस ट्रीटमेंट के बाद आप फौरन जा सकते हैं और कोई भी आपको फील नहीं कर सकता कि आपने कुछ करवाया है। अदर देन दैट के जो डबल चिन होती है उसका क्विक और इफ़ेक्टिव आपको रिज़ल्ट उसमें नज़र आता है। इस ट्रीटमेंट को ख़त्म करने के बाद दोबारा हम आपको इनकी चिन दिखाएंगे और आप देखेंगे कि कितना अच्छा इन्हें इसका असर पड़ा है इस ट्रीटमेंट का, और इनकी जॉ लाइन बिल्कुल बेहतर तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब आपको अगर हम दिखा सकें तो आप देख रहे होंगे कि ये इनकी जो जॉ लाइन थी उस साइड पे अगर हाँ, तो ये कट्स इनके अब काफ़ी हद तक नुमाया हो गए और काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम अपने नेक्स्ट ट्रीटमेंट रूम में हैं। इस रूम में हम
जितना भी फैट रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं वो करते हैं, फैट और लूज स्किन को एड्रेस करते हैं। एक तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो लेटेस्ट मशीन है, ये क्या है, ये एक मोनोपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी के तहत काम करेगी ये सारी मशीन। इस मशीन के ज़रिए हम क्या करेंगे कि इनकी जो ये जो लूज स्किन है, एक तो इसको एड्रेस करेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा फैट है इस एरिया में इसको हम एड्रेस करेंगे। और ये आजकल एक बहुत बड़ा एक कॉमन फैक्टर, बहुत सारे क्लाइंट्स इसके लिए आते हैं कि जिनकी ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी लूज़ हो चुका होता है, उसमें फैट होती है, और औरतों को इसका काफ़ी एक सीरियस एक किस्म की एक टेंशन होती है, स्पेशली जब गर्मियों का सीज़न आता है, जिन्होंने स्लीवलेस पहनने होते हैं तो उनके लिए ये एक बड़ी अहमियत का हामिल ये एक ट्रीटमेंट है। तो इस ट्रीटमेंट में अभी आप देखेंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में हमने सबसे पहले हमारा जो एक जो नेगेटिव प्रोब था वो इनको हमने बॉडी के ऊपर ऑलरेडी लगा दिया। अब जो दूसरा इसका पॉजिटिव प्रोब है वो अब डॉक्टर ज़ारा इसके ज़रिए इनको अब ट्रीट करेंगी। तो इसके लिए हम हमारी इस टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मशीन की कि इट्स ऑल ऑटोमेटेड। अभी हम कर क्या रहे हैं कि जैसे एक एरिया है इसको स्किन को हम एड्रेस कर रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से 4 to 5 degrees इंक्रीज़ हो जाएगा आफ्टर द ट्रीटमेंट। मगर इस हैंडल में वो सारे लाइक अगर आप इस तरह से दिखा सकें एक मिनट के लिए कि इसमें आप देखेंगे कि इस हैंडल के अंदर टाइमर चल रहा है, इसका टेम्परेचर दिया गया है, और जो वो सारे पैरामीटर थेरापिस्ट के लिए इसको बड़ा आसान कर देते हैं इस ट्रीटमेंट को करने के लिए। और इसका भी जैसे कि पहले मैंने बताया कि कोई पेन नहीं है, क्लाइंट बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता है, हो सकता है कि ये भी ये थोड़ी देर में मज़े से इतना रिलैक्सिंग फील कर रही है कि ये सो ही जाएं, और कोई इसका डाउन टाइम नहीं है, और ये इट्स वेरी वेरी सेफ ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि स्पेशली पाकिस्तान में हमारी ख्वातीन बहुत सारे उल्टे सीधे ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रही होती हैं, मेडिसिन ले रही होती हैं, अपनी खुराक के ऊपर अपने आप को वो बहुत सारा इम्पोज़ कर लेती हैं बहुत सारी चीज़ों को। उसकी बजाय ये बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि जिसको आप कम एफर्ट में, कम पैसों में और बग़ैर कोई रिस्क लिए अपनी बॉडी को आप अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं। Assalamu alaikum. I am Dr. Nawal Chishti and I'm a graduate of Fatima Memorial Hospital and I'm currently working as an aesthetician. और मुझे हमेशा से इस फील्ड में आने का शौक़ था एंड आई एम हैप्पी कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं अपनी ये एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे आकर बहुत खुश हूँ, ट्रीटमेंट्स ले रही हूँ और ये इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, और बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं हर स्किन टाइप के लिए और हर स्किन डिजीज़ जिसे आप कह सकते हैं उसके लिए। एक्नी है, पिगमेंटेशन है, जो भी आपको स्किन के इश्यूज़ हैं आपके हर इशू को एड्रेस किया जाएगा और उसके लिए हर चीज़ के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जी अब हम आए हैं अपने दूसरे ट्रीटमेंट रूम में। इस ट्रीटमेंट के रूम में आप देख रहे होंगे बहुत सारी मशीनें हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी बॉडी शेपिंग के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ हम इस रूम में करते हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हमारी डॉक्टर नवाल इस वक्त डील कर रही हैं अपने कस्टमर को। तो द बेस्ट थिंग विद आवर टेक्नोलॉजी इज़ एक वन, ये इस वक्त क्रायोलाइपो का ट्रीटमेंट चल रहा है एंड आपने देखा होगा कि क्रायोलाइपो की इस ट्रीटमेंट में हमारी मशीन में दो हैंडल हैं जो एट ए टाइम, एक तो हम अपना टाइम बचा रहे हैं उसके ज़रिए, सेकेंडली क्लाइंट के लिए वो एक बहुत फिजिबल एक प्रोसीजर बन जाता है। इसमें एट वन टाइम हम दो सेम हैंडल्स क्रायोलाइपो के लगाए हुए हैं, और ये क्या करते हैं इस ट्रीटमेंट में हम उस एरिया का टेम्परेचर -5 तक लेके जाते हैं। तो इसका बेसिक मकसद इस ट्रीटमेंट का ये है कि हम जो फैट मॉलिक्यूल हैं, जो ग्लिसराइड्स हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर नवाल अभी अपने पेशेंट को उनका बेसिकली टमी का ट्रीटमेंट इस वक्त कर रही हैं। उसमें ये होगा कि ये एक हमारा स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है जिसमें एट ए टाइम आप इस हैंडल में आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वैक्यूम सक्शन एक वो हो रही है, मगर उसके साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट लेज़र वेव्स के साथ वो उन एरियाज़ को डील कर रही हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ये उस एरिया का टेम्परेचर भी एक तो इंक्रीज़ हो रहा है साथ साथ,
और दूसरा ये है कि बिकॉज ऑफ दैट लेज़र और वैक्यूम सक्शन और वो जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से उनको साथ ही एक बड़ा एक क्विक और अच्छा रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि स्किन टाइट हो रही है, साथ साथ वो जो अंडरनीथ उनकी फ़ैट है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। अगर एक मिनट आप रुकिएगा, अगर आप लोगों को दिखाऊं कि इस मशीन के अंदर आप देख रहे होंगे ये चार डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इस वक्त काम कर रही हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद लेज़र लाइट है और वैक्यूम है जो उस सारे एरिया को डील कर रहा था। एंड दिस इज़ वन ऑफ आर वेरी लेटेस्ट मशीन के जिसके ज़रिए हम बगैर किसी पेन के, बगैर कोई तकलीफ दिए, हम अपने क्लाइंट को एक क्विक रिज़ल्ट देते हैं। और आफ्टर दिस ट्रीटमेंट हम आपको मेजर करके भी दिखाएंगे कि इनको एटलीस्ट एक ट्रीटमेंट के बाद 1 से 2 सेंटीमीटर तक का ज़रूर इस वक्त फ़र्क नज़र आएगा, मगर एक्चुअल रिज़ल्ट ऑफ कोर्स 4 to 6 वीक्स लगते हैं उसमें, और उनको जबकि उनको अपना एक्चुअल इफ़ेक्ट उस ट्रीटमेंट का नज़र आएगा। जी अब आप देख रहे होंगे कि हमारे फैट रिडक्शन का ये एक आखिरी मरहला है जिसके अंदर ये एक अब स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसको हम वेला शेप, आपने नाम सुना होगा वेला शेप 9, वेला शेप 10। सो इस टेक्नोलॉजी को अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, थोड़ा सा मुझे दिखाइएगा, आप देख रहे होंगे कि इसमें रोलर्स हैं वो चल रहे हैं, उन रोलर्स के साथ आपको लेज़र लाइट नज़र आ रही है। इसके प्रोसीजर के अंदर आपको जो सारी रेडियो फ्रीक्वेंसी, लेज़र लाइट और फिर इसके बाद डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, तो ये एक तरह का जैसे लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज होता है उसको सामने रखते हुए अब इस फाइनल ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये चलते हैं आप देख रहे होंगे स्किन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। एक तो उससे ये हुआ कि स्किन जो उसकी जो लूजनेस है वो ख़त्म होगी, इसके बाद स्किन टाइटनिंग के साथ साथ इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट है कि जो इनके स्ट्रेच मार्क्स हैं हमने उसको भी एड्रेस करना है, क्योंकि इनको आप देख सकते हैं इनके काफ़ी सारे स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद जो यस जो फैट का था फाइनल जो इस ट्रीटमेंट के बाद आपको कैमरे में भी नज़र आ रहा होगा कि उनके भी टमी एरिया और लव हैंडल्स पे अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ रहा है इस वक्त हमें, जो बाद में हम मेजर भी करेंगे और उसको देखेंगे। जी डॉक्टर नवाल आप कैरी ऑन कीजिएगा, तो इसी तरह हम आपको फिर बाकी अगले रूम में लेके चलते हैं और अगला ट्रीटमेंट दिखाते हैं। जी इस वक्त हम अपने लेज़र रूम में हैं और इस रूम में आप देखेंगे कि इस वक्त डॉक्टर नवार अपने क्लाइंट का स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट कर रही हैं। इसके लिए बॉडेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी है, साइना श्योर इज़ अ वेरी फेमस कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, उसकी एक मशीन है पीको श्योर, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे साइना श्योर पीको श्योर मशीन इस वक्त जो है डॉक्टर साहब क्या कर रही हैं कि वो अपने क्लाइंट को स्ट्रेच मार्क्स को डील करने से पहले उस एरिया को कोल्ड कर रही हैं जो इस वक्त काफ़ी हद तक बहुत कम ठंडा हो चुका हुआ है। तो आई थिंक अब इसको आप प्रोसीजर शुरू करें, और इस प्रोसीजर की भी सबसे अच्छी और पीको श्योर की सबसे अच्छी बात ये है कि इन मशीनों में कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है इस ट्रीटमेंट का, बिल्कुल भी ना तो बर्निंग है ना कोई पेन है, जैसा कि आपको कुछ फील हो रहा है इसके इस ट्रीटमेंट पे, बहुत मिनिमम सी इसकी, और इसका कोई डाउन टाइम नहीं है जो असल चीज़ है। अदरवाइज़ बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जिनको स्ट्रेच मार्क्स के लिए जिनको यूज़ किया जाता है उनका डाउन टाइम होता है और क्लाइंट्स को 2-3-4 दिन लग जाते हैं सम टाइम इस पेन को फील करते करते, मगर इस मशीन की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका एक तो बिल्कुल भी कोई डाउन टाइम नहीं है। इस प्रोसीजर के फौरन बाद क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी पहने, जिधर जो मर्ज़ी करें चलें। इसी तरह अब आपको अपने अगले प्रोसीजर की तरफ लेके चलते हैं। अब हम आपको अपने नए एक और ट्रीटमेंट रूम में लेके आए हैं। इस ट्रीटमेंट रूम में हम क्या करते हैं कि जितनी बाकी आपने देखा था पहले तो हम हेयर रिमूवल करते थे, अब इस रूम में हम हेयर रीग्रोथ करते हैं। मीन्स के ऐसे लोग जिनके बाल गिर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में इस वक्त क्या पूरी दुनिया में, कि जितनी हमारी ख्वातीन हैं उनके बालों का गिरना, गंजापन, और ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो इसके लिए बॉडेवोल्यूशन हैज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी हेयर रीग्रोथ की। तो अब हम अपने हेयर रीग्रोथ रूम में, और आप देख रहे होंगे कि सर डॉक्टर जो हैं वो अपने कस्टमर के हेयर का एनालिसिस कर रही हैं। आप इसमें देख सकती हैं, एक जगह रुकिएगा देखें। तो अब हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर इनके बालों के गिरने की वजह क्या है, एक तो उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस इस वक्त इनका गैप उसका एनालिसिस करेंगे कि बालों के दरमियान का गैप कितना हो गया है, क्योंकि इस एनालिसिस के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम इनको किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। ये आप देख रहे होंगे इनके पैचेस नज़र आ रहे हैं, प्लस ये इनके बालों का अपना इटसेल्फ स्ट्रक्चर, प्लस ये बालों के ऊपर क्या यूज़ कर रही हैं, किस तरह से इनको ट्रीट कर रही हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा, ड्राइनेस या डैंड्रफ भी आपको नज़र आ रही होगी काफ़ी सारी। थैंक यू डॉक्टर। अब
आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं क्विकली। अच्छा, हमारे बॉडेवोल्यूशन की जितनी ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड सीरम है जिसको हम यूज़ करते हैं बॉडेवोल्यूशन का। हम क्या करेंगे अभी डॉक्टर साहब, सीरम को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर ये एक लेज़र लाइट है जिसको अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये इसको अभी इसको लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले इनके पूरे स्कल के ऊपर, सर के ऊपर जो स्पेशल हमारा सीरम है वो उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद अब ये हमारी इस लेज़र लाइट के अंडर, ये बेसिक लो लेवल लेज़र होता है जिसके तहत हम अपने क्लाइंट्स को कुछ टाइम के, लाइक इनको हम रिकमेंड कर रहे हैं कि 10 से 12 ट्रीटमेंट्स ये ले लें। हर दफ़ा ये आएंगी हमारे पास, हम इनको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए ये सीरम अप्लाई करने के बाद इसकी हल्की सी नीडलिंग करके फिर इस लाइट के अंडर इनको बैठना होगा। और बड़ा मज़े का ये एक समझ लें कि एक कॉन्सेप्ट भी बहुत मज़े का और ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है कि जिसमें कोई पेन नहीं है, कोई ऐसी आपकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपली हम एक बेसिक एक सीरम लगा के उसकी हल्की सी नीडलिंग करके उसको अंडरनीथ दिस लेज़र लाइट के इनको बैठना होगा एंड दैट्स इट। अब जब ये प्रोसीजर ख़त्म होगा इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसको हम फिर फाइनल किस तरह से टचिंग देंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं कि ट्रीटमेंट के आखिरी स्टेप पे, हेयर रीग्रोथ के इस आखिरी स्टेप पे। आप देख रहे होंगे कि जो डॉक्टर हैं हमारी इस वक्त वो ये एक इलेक्ट्रिक कॉम्बिंग है एक तरह से विद बेसिक रेडियो फ्रिक्वेंसी, उससे आप जो इनके सारे सर के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरह से कंघी कर रही हैं, कॉम्बिंग कर रही हैं।